हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहुंच चुके हैं दादा कोटेश्वर धाम, जो कि लांजी में स्थित है, जो कि कोटेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और बहुत ही प्राचीन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सावन का महीना चल रहा है और आज हम जिस दिन यहाँ मंदिर पहुँचे हैं, आज है सावन का तीसरा सोमवार और सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना बहुत ही धूमधाम से की जाती है। सभी श्रद्धालु जो होते हैं, कुछ श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के थ्रू भगवान शिव को जल चढ़ाने इसी मंदिर में आते हैं और यहाँ मानो आज मेला सा लगा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दर्शन करने के लिए बहुत से श्रद्धालु आए थे, जिस कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मानो ऐसा लग रहा था जैसे मेला लगा हो। तो आप देख रहे होंगे कितने सारे लोग आए हैं। यहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से की गई थी, जो कि आपको दिख रही होंगी। बहुत ही अच्छा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर। यहाँ पर बहुत से कांवड़ यात्री कांवड़ में जल लेकर शिव जी का जलाभिषेक करने के लिए आए थे, बहुत से बहुत दूर दूर से। फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़्यादातर पूजन सामग्री की दुकानें लगी हैं और उसके अलावा टैटू बनवाने जो बैठते हैं उन लोगों की दुकानें लगी हुई थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब पहुंच चुके हैं कोटेश्वर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो कितने लोग हैं यहाँ पर। तो मंदिर के सामने कितने ज़्यादा भीड़ है और अभी लाइन में लगे हैं लोग दर्शन करने के लिए। बहुत दूर तक की लंबी लाइन लगी हुई है। मंदिर के दोनों साइड लाइन लगी हुई है, एक साइड जेंट्स और एक साइड लेडीज। कार अभी दिन के 2 बज चुके हैं और अभी बहुत भीड़ है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे आगे भी आने वाले आ रहे और इधर साइड मंदिर के पास तो और भी ज़्यादा भीड़ है। तो आज सावन सोमवार है तीसरा और आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और ये कांवड़ यात्रा कोटेश्वर धाम जा रही है, जो कि हमें रास्ते में मिली थी और ये कुछ देर में कोटेश्वर से। यहाँ पे इस प्रकार से दुकानें लगी हुई हैं, गोदना गुदाने और ये सभी सामानों की, यहाँ पे आइटम की। आप देख रहे होंगे भीड़ अभी भी बहुत है, इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन जब भी के मुकाबले थोड़ी कम हो चुकी है भीड़। तो यहाँ पर सबसे पहले नरसिंह देव का मंदिर पड़ता है, तो अभी भी बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, लाइन लगी हुई है यहाँ पर। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है और इस प्रकार यहाँ पे त्रिशूल त्रिशूल है और यहाँ पे नारियल फोड़ रहे हैं सभी लोग। यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ थी, इस कारण हम लोग अभी अंदर नहीं जा पाए। ये मूर्ति है यहाँ पर मंदिर के पीछे साइड उकेरी हुई, जो कि बहुत प्राचीन है और ये कुछ मूर्तियाँ खंडित हो चुकी है, आपको दिख रही होंगी। ये पेड़ के पास, जो कि बरगद का पेड़ है, यहाँ पे भी पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ये कलाकृति, जो कि बहुत पुरानी है, प्राचीन। आप देख सकते हो अभी भी भीड़ कम नहीं हुई है। तो अभी भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर दर्शन के लिए और इधर साइड भंडारा है, महाप्रसाद वितरण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रहे हैं महाप्रसाद वितरण।
तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे पीछे पे महाप्रसाद का वितरण हो रहा है और बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है प्रसाद खाने के लिए। तो इतनी लंबी लाइन है कि पूछो मत, बहुत लंबी है। यहाँ पे भी बाहर हवन कुंड बना हुआ है और ये सब बहुत सारी दुकान लगी हुई है। कावड़ यात्रा पहुंच चुकी है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं वापस, तो ये ब्लॉग हमारा बन गया। अभी हम लांजी में हैं और यहाँ से वापस बालाघाट जा रहे हैं, लगभग 70 किलोमीटर। समय हो रहा है 6:30, शाम के 6:30, मतलब 8 बजे तक हम घर पहुँच पाएंगे। बहुत थकान हो गई आज तो। असली में हम 3 लोकेशन घूम लिए आज, एक वारी टेम्पल, एक कोटेश्वर धाम और एक बालाजी टेम्पल। और अगर तीनों को एक साथ व्लॉग बनाएंगे तो कम से कम 40-50 मिनट का होगा, तो इसलिए 3 पार्ट में हम डालेंगे। यानी मैं सौजन ठाकुर चैनल से मैं 3 पार्ट में डालूंगा, इनका है सिटी व्लॉग से, तो ये इनके ऊपर कितने में डालते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तो अब एक अच्छी जगह जाएंगे हम लोग, वहाँ पर मिलेंगे अब सीधे।